आप सभी को एक नए वीडियो पर मैं फिर से स्वागत करता हूं। मैं हूं रोशन और आप देख रहे हैं डिजिटल जोन रोशन। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले ज़मीन के सुधार के बारे में कि आपका ज़मीन का सुधार कैसे होगा और क्या क्या आप इसमें सुधार कर सकते हैं। जैसे कि आप अपना ज़मीन है अब तो ज़मीन में आपका डिजिटलाइजेशन अभी बहुत ज़्यादा समस्या आया है। जैसे मान लीजिए सभी का ज़मीन अभी डिजिटल हो गया है, यानी कि सभी का नाम आपको ऑनलाइन ज़मीन रसीद काटने में आपको सभी को वहां पर दिखाई देता है। तो कुछ लोगों का नाम प्लॉट बहुत सारे दिक्कत इसमें आई है। तो क्या क्या इसमें गलत हुआ है, तो क्या क्या सुधार कर सकते हैं और कैसे सुधार कर सकते हैं, तो मैं इसमें आपको पेपर कटिंग के माध्यम से बताने वाला हूँ। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चैनल आप सभी को अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मेरे पास यह हिंदुस्तान का पेपर कटिंग है, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पर मैंने ये आज ही डाउनलोड किया है। यहाँ पर आज 22 फरवरी का एक पेपर है। यहाँ पर लिखा ज़मीन के दस्तावेज में भूल, सुधार कराने में आई तेजी। यानी कि सुधार में अभी बहुत ज़्यादा यहाँ पर चल रहा है। यहाँ पर देखेंगे जमाबंदी पंजी को डिजिटलाइज करने में भूल हुई, सुधार करना। यहाँ पर कर्मियों की कमी इसमें बड़ी बाधा है, फिर भी स्थिति में काफ़ी सुधार हुआ है। राज्य भर में 85.3% आवेदनों को निपटारा हो गया है। एक दर्जन से अधिक जिला में, यानी कि 12 से अधिक जिला में 90% से अधिक आवेदन का निपटारा कर लिया गया है, यानी कि सुधार कर लिया गया है। इसके बाद यहाँ पर 5 महीना पहले से जिला की संख्या मात्र 5 थी, लेकिन पटना सहित 4 जिला आज भी विभाग की रिपोर्ट में लाल रंग से रंगे गए हैं। इन जिलों में काम यहाँ पर लगाई गई है, जैसे कि यहाँ पर इन जिलों में काम की तेजी नहीं हो रही है। राज्य में परिमार्जन के आवेदनों का निपटारा नहीं होने से किसान तो परेशान होते ही हैं, सरकार को भी राजस्व का नुकसान हो रहा है। जो ज़मीन मालिक गांव के बाहर रहते हैं वह रिकॉर्ड गलत होने के कारण लगान जमा नहीं कर पा रहे हैं। यानी कि जो लगान जमा कहने का मतलब कि रसीद नहीं कटवा पा रहे हैं किसी गलत की वजह से। इधर ऑफलाइन लगान रसीद के अभाव के कारण कई जिलों में जमा नहीं हो रहा है। यानी कि ऑफलाइन जहाँ जहाँ है तो वहाँ पर बहुत सारा भी दिक्कत हो रहा है। जो जिसका ऑनलाइन होगा तो घर बैठे भी काट सकते हैं ज़मीन का रसीद। तो ज़मीन का रसीद काटने के लिए मैं एक वीडियो बना दिया हूँ, जिसका आप वीडियो में डिस्क्रिप्शन में जाकर वहाँ से आप देख सकते हैं कि ज़मीन का रसीद कैसे काटा जाता है। यहाँ पर और डिटेल यहाँ पर जानेंगे। ज़मीन के दस्तावेज में हुए भूल सुधार के लिए परिमार्जन पोर्टल पर अब तक 15.58 लाख आवेदन मिले हैं, जिनमें से 2.46 लाख आवेदन रिजेक्ट कर दिए गए हैं। इनको मिलाकर कुल 13.30 लाख आवेदन को निपटारा हुआ। इनमें से लगभग 38,000 ऐसे आवेदन थे जिसमें सुधार के लिए कुछ दस्तावेज मांगे गए थे, लेकिन मात्र 244 आवेदक ने ही दस्तावेज उपलब्ध कराया। रिकॉर्ड में सुधार के लिए दिए गए आवेदनों का यहाँ पर आवेदनों का निपटारा करने में सबसे आगे बांका जिला है। इस जिले में काम पेंडिंग नहीं है, 99.73% आवेदनों का निपटारा हो चुका है। इसके अलावा अररिया, बहुत सारे ज़िले हैं ऐसे, जैसे कि यहाँ पर आपको दिखा दे रहा हूँ मैं, यहाँ पर इतने सारे ज़िले हैं जिसमें आपको काम अभी अच्छी तरह से चल रही है। इन जिलों में 95% आवेदन का निपटारा हुआ है, लेकिन पटना, रोहतास, जमुई और खगड़िया जिले में काम की गति मंदी है। जमाबंदी का डिजिटलाइजेशन हुआ तो शायद ही ऐसा कोई जमाबंदी है जिसका रिकॉर्ड ऑनलाइन सही हो रहा है। कहीं किसान का रकबा ही शून्य लिखा हुआ है, तो कहीं जगह किसान का नाम ही गलत है, तो खाता और खेसरा भी में भी गलती हुई है। जैसे कि आप इसमें देख पा रहे हैं कि इसमें क्या क्या गलत है, जैसे कि नाम, खाता खेसरा या रकबा गलत है, या जैसे मान लीजिए आपको 5 डिसमिल है तो यहाँ पर 0 डिसमिल शो कर रहा है, तो उस सब कैसे सुधार होगा। यहाँ पर खाता संख्या और प्लॉट नंबर और खेसरा संख्या, ये सब गलत है, तो इसको कैसे आप सुधार कर पाएंगे। इस भूल का मूल कारण का काम दबाव भी है। तो देखिए इसमें आपको नाम, खाता संख्या और खेसरा संख्या साथ में ये सब गलत हुआ है, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। उसका सुधार करने का मैं एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा, जिससे आप घर बैठे सुधार कर सकते हैं। केवल आपको सुधार करने के बाद जो भी डॉक्यूमेंट होगा आपके पास, जो सही वाला डॉक्यूमेंट होगा, उस सही डॉक्यूमेंट को रखेंगे और सही डॉक्यूमेंट को अपलोड करना होगा। अपलोड करने के बाद आप, जैसे मैं आपको सुधार वाला वीडियो बनाऊंगा, उस वाला को देखकर आप घर बैठे अपलोड करके और सभी आप सुधार कर सकते हैं। सुधार अपलोड करने के बाद, यानी कि जैसे ही आप ऑनलाइन घर बैठे सुधार कर लेंगे, तो सुधार करने के बाद एक बार आप अपने नज़दीकी ब्लॉक में जाकर, यानी जो आपका ब्लॉक होगा उस ब्लॉक में आप अपना डॉक्यूमेंट को फोटो को भी जमा कर देंगे और ओरिजिनल भी साथ में लेकर जाएंगे और वहाँ पर दिखा दीजिएगा। ओरिजिनल और फोटो को भी वहाँ पर जमा कर देंगे। आपका सभी डिटेल जैसे कि यहाँ पर नाम
और खेसरा रकवा और खाता संख्या जो भी गलत होगा आपका सुधार हो जाएगा। तो मूल यहाँ पर दिया गया कि इस भूल का मूल कारण काम का दबाव ही है। लगभग 3.5 करोड़ होल्डिंग की जिम्मेवारी चंद कंप्यूटर ऑपरेटर के भरोसे है। राजस्व विभाग के हाल ही में बेल्ट्रॉन ने से लेकर कुछ ऑपरेटर को जिलों में भेजा गया, बावजूद हर अंचल और में एक या दो कर्मी ही इस काम को संभाले हैं। विभाग का दूसरा काम भी ऑनलाइन हो गया है और लिहाजा इन कर्मियों के पास वह काम भी रहता है। तो जैसे कि यहाँ पर अभी देख पा रहे हैं कि यहाँ पर सभी बेल्ट्रॉन वाले भी काम इसमें कर रहे हैं। तो आप सभी को मैं यहाँ पर यही बताना चाहता हूँ कि जितने भी आप सभी का यहाँ पर खाता संख्या, खेतरा संख्या, नाम या तो प्लॉट नंबर या कुछ भी आपका रकबा भी गलत हो चुका है, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। उसके लिए मैं एक आपको ऑनलाइन करने के लिए घर बैठे आपको मैं वीडियो बना दूंगा, जिससे आप घर बैठे ऑनलाइन कर लेंगे। जो भी आपका गलत होगा वो सही कर सकते हैं उस डॉक्यूमेंट के अनुसार, जो आपका सही डॉक्यूमेंट होगा उस डॉक्यूमेंट के अनुसार आप सही कर लेंगे। और सही करने के बाद आपका पूरा डिटेल सही आपका ऑनलाइन पर चढ़ जाएगा, यानी डिजिटलाइजेशन हो जाएगा आपको सही, और घर बैठे आप रसीद भी काट सकते हैं। तो रसीद काटने के लिए मैं एक स्पेशल वीडियो बना दिया हूं, जिसको आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं। आएंगे और मोबाइल में यूट्यूब ओपन करने के बाद आप टाइप करेंगे डिजिटल जोन रोशन, और यहां पर आपको सभी आपको वीडियो मिल जाएगा, जैसा कि आपको यहां पर दिखाया जा रहा है। यहां पर बहुत सारे वीडियो अपलोड किया गया है यहां पर, जैसे कि न्यू राशन कार्ड बनाने के लिए राशन कार्ड ऑनलाइन, नाम कैसे जुटेगा, पैन कार्ड कैसे बनेगा, पीएम किसान का सम्मान निधि का केवाईसी कैसे होगा, और यहां पर रसीद काटने के लिए मैं यहां पर स्पेशल कहें कि जमीन या जमाबंदी कैसे निकालने के लिए यहां पर रसीद काटने के लिए सभी वीडियो बनाया गया है। तो यहां से आप आकर देख सकते हैं। तो अगर चैनल आप सभी को अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।